सो गाइज, अभी आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ दिव्यांश के घर। देखो एक्चुअली बात ऐसी है कि दिव्यांश ने CVET के फॉर्म में भरा था हिंदी लैंग्वेज सेक्शन में, एक एक्स्ट्रा हिंदी भर दी। उसे वो हिंदी नहीं चाहिए थी लेकिन गलती से उससे भर गई। तो जैसा कि अभी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है 1 और 2 तारीख के लिए, तो आज 2 मई है, तो मैं सोच रही हूँ जाके उसे बताया हूँ, क्योंकि उसका फ़ोन लग नहीं रहा है, फ़ोन टूट गया है और कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। तो उससे मेरे घर से उसके घर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उसी के घर चली जाऊँ। तो मैं उसके घर जा रही हूँ अभी और करेक्शन करा देंगे। पता चला आज आया या नहीं आया, वो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो चलो चलते हैं। इलेक्शन वाले लेके जाते हैं, सोच तो रहे खड़े हो जाते हैं। दिव्यांश वोट दोगे? तुम दो नाम वाले को। अच्छा करेक्शन विंडो खुल गई, लेके आओ अपना एप्लीकेशन की वो नंबर और पासवर्ड लाओ। अंदर क्यों, हम तो दिखाएंगे। हेलो, हट जा, चल यहाँ से, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। सो गाइस, देखो दिव्यांश का घर का एक हाउस टूर जू, ये मेरा कूड़ा पड़ा हुआ है, नहीं तो जरूर इतना बड़ा कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है इतने सालों से। ये कूड़ा बहुत महंगा है ना, महंगा कूड़ा है, फ्री का है ये। गाइस, ये दिव्यांश का बिस्तर है, ये कोई काम धाम तो करता नहीं है। वैसे डिजाइन अच्छी लग रही है, तुम्हारी पसंद है। अच्छा, वो गिफ्ट करते तो बाहर बने हुए, क्यों खुद बनाओ, क्यों खुद बनाओ, तुम्हारा क्या होगा, चोटी बना दो यहाँ पे ऐसे करके। मैं आ जाऊंगा, मैं सो ज्यादा लाने की। हाँ मुझे पता, आ जाना। मैंने कल तेरे बिना मैंने एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया, पर वो इंग्लिश का किया है, पर वो इंग्लिश की क्वांट्स का नहीं किया। जल्दी कर लो सिलेबस, कब कंप्लीट करोगे? मेरा 16 का एग्जाम है और मेरे कुछ नहीं पढ़ रहा अभी तक। दिव्यांश अफसोस नहीं हो रहा? इसने पेपरों की तैयारी भी कहाँ करी थी, टॉप करो, 95% आए मेरे, रिजल्ट नहीं निकला है, तो इसकी बातों पे यकीन मत करो। कैमरा उधर रखो, चलो लाओ कैमरा। शॉपिंग वाला इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें बस सेव ही करना होता है, उससे पहले नेट ही कट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ दोबारा करनी पड़ती है। सो गाइस, दिव्यांश का घर जाके हमने उसका काम कंप्लीट करा दिया और उसका पेपर हटा दिया है। अब घर चलते हैं, देखते हैं हमारा पार्सल आया है या नहीं। चलो। सो गाइस, जिसका था इंतजार वो पूरा हो गया, मेरा पार्सल आ गया। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कितने टाइम बाद आया है, मैं बहुत खुश हूँ। चलो मुझे लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों उसकी बहुत बेकार वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। इसमें से मैंने लाइट को हटा दिया है, अभी मेरे को मतलब चाहिए इसी टाइप में, लेकिन इसका। सो गाइज, ये सारा सामान आया है मेरी ब्लॉगिंग किट में, माइक आया है, एक रिमोट आया है, ये आया है और ये भी आया है, ट्राईपॉड, एक मिनी ट्राईपॉड है, लाइट है। तो अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैंने उसे अटेंड किया था, तो मैंने तब ब्लॉग नहीं शूट किया अभी था। तो एक्चुअली बात ये है कि इस माइक की जो क्वालिटी है वो नहीं है, अजीब सी एक साउंड आ रही है, तो मुझे अब ये लग रहा है शायद मेरे को ये रिटर्न कर देनी चाहिए। सो गाइज, मैं अभी भी नहा के आई हूँ, मुझे खुशी इस बात की इसलिए हो रही है। सो गाइज, अब मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे को ये ब्लॉगिंग किट रख लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी इसमें थोड़ी खुरापाती करी है। मैंने इसका माइक खोल के दिखा था
इसका माइक खोला थोड़ा, उसमें जो इसका माइक खोलने के बाद मैंने उसमें जो भी चीज़ें लगी हुई थी दोबारा लगा दी, और मुझे लग रहा है अब शायद इसकी वॉइस क्लियर आए। अगर इसकी वॉइस क्लियर आएगी तो मैं इसे रख लूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसे रिटर्न करने का, और मुझे बहुत पसंद है ये, मुझे ये चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। आज का ब्लॉगिंग होपफुली मैं इसे रखूंगी, और बट इसका माइक है तो इस माइक को उड़ा देंगे, लेकिन माइक के बिना काम कहाँ से चलेगा। माइक के लिए तो मंगाया था। सो गाइस, कल आप लोगों को पता होगा, अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने कहा था कि मेरे मन में बन्नी के लिए इतना सा भी प्यार नहीं है, इतना सा भी, लेकिन मैं क्या करूँ, ये बन्नी बहुत बुरा लगता है मेरे को। जब भी कभी मम्मी को काट लेता है ना, या किसी को भी काट लेता है, तब मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। लेकिन क्या है, कोई बात नहीं, बेचारा बच्चा है, चलो माफ़ कर दिया जाता है इसे। बच्चे तेरे लिए रोटी लाई, मैं रोटी खा रही थी, खाएगा गुच्चे गुच्चे, अजू गुच्ची गुच्ची गुच्ची। या वैसे मैंने ज़्यादा देखा है मम्मी को ज़्यादातर काटता है, गुच्ची गुच्ची काटता है, कहते कहते मम्मी का मम्मी का मम्मी का, रोटी खाएगा ले। इसे रोटी इतनी पसंद है पता नहीं क्यों, इसे तुमने कुछ भी रख दिया हो ना, धनिया और सोया कुछ भी दो ना, सबसे ज़्यादा रोटी खाता है। बन्नी को खाना दे दिया है, ये हमारे घर की पीछे वाली साइड है, माइंड मत करना, यहाँ पे हमारा सारा कबाड़ा पड़ा रहता है, वो इतना बड़ा कबाड़ा रखा हुआ है हमने अपने पास, उसको कंपनी देने के लिए ये कबाड़ा रख रखा है हमने इधर साइड, ठीक है। ये घर की पीछे वाली साइड है हमारी, तो ये कुछ हालत इसकी ऐसी ही रहती है, खस्ता खस्ता। यस, पर यहाँ पे आने के बाद एकदम खुली हवा मिलती है, एकदम मज़ा आ जाता है। लकड़ियाँ वकड़ियाँ पड़ी हुई हैं इधर साइड, पीछे वाली साइड है ये घर की, घर इधर है। सो गाइज, मैंने अभी ट्राईपॉड लगा लिया, ट्राईपॉड में ही मैं शूट कर रही हूँ, मिनी ट्राईपॉड है, और उसके ऊपर हमारी पूरी ब्लॉगिंग किट है भैया, तो ब्लॉगिंग किट पे मैं शूट कर रही हूँ, और मैंने माइक भी लगा लिया। तो लेट मी सी जो मैंने माइक में चेंजेस करे हैं थोड़ा लगाकर, उसमें जो भी सेटिंग कर रखी है मैंने अभी खोल कर की थी, तो देखते हैं क्या चलता है, क्योंकि बाहर चल रही है हवा, तो बाहर पता चलेगा कि क्या ये सही में काम कर रहा है। चलो भाई, तुम दोनों फिर यहाँ बैठ गए। सो गाइज, अभी हम बाहर आ गए, और अभी हम बाहर माइक की क्वालिटी चेक करेंगे, इसमें क्या मतलब चेंज आया या नहीं आया, या अभी ये पहले की तरह ही रहा। और मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लोली स्लोली ये मूवमेंट करूँगी, क्योंकि भाई जितने की ब्लॉगिंग किट नहीं है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा का फ़ोन है, फ़ोन को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार हाथ से पकड़ के भी ब्लॉग बनाया जा सकता है, लेकिन खाली ब्लॉगिंग किट का कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमें एक रिमोट मिला था, तो मैंने कहा चलो इसे भी देखते हैं काम करता है नहीं करता है, वैसे कर रहा है, मैंने इसी से ऑन किया है। तो इन सो गाइस, जब भी ना एक ब्लॉगिंग किट को इस्तेमाल करते हैं ना, तो एकदम ब्लॉगर वाली फील आती है। सब लोग ऐसे देखेंगे, न्यू करके सामने जा रहे होंगे ऐसे। सो गाइस, ये जगह है जहाँ पे हम लोग डेली बैडमिंटन खेलने जाते हैं, और आज ये गिरी हुई है। मेरे ख्याल से ये लोग क्रिकेट खेल, नहीं गिल्ली डंडा खेल रहे। फिर ये कि गया हमारा स्थान, ये देखो भाई स्थान गया। सो गाइस, हमारा खेलने का स्थान जा चुका है, और मैंने सोचा था हम इसे बाहर टेस्ट करेंगे, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, तो हमने सोचा माइक की टेस्टिंग यहाँ करेंगे, क्योंकि फिर जो दूसरा वाला है ब्लॉगिंग किट, हम फिर उसे ऑर्डर करते। लेकिन अब देखते हैं क्या होगा इसका, मुझे इसका माइक अब सही लग रहा है। चले चला के देखा हमने, हाँ देखा था ना मैंने, तीन चार बार अभी देखो अभी। सो ये रही उन्नति, और ये उन्नति यहाँ पे खेल रही है। मेरे को अब इस माइक की क्वालिटी अच्छी लग रही है। ओ देखो बंदर का बच्चा, ये दिख ही नहीं रहा, अकेले अकेले। होप गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, और चार चीज़ें ज़रूर करके जाना। अगर ब्लॉग बहुत अच्छा लगे तो लाइक करो, और अच्छा लगे तो कमेंट करो, और अच्छा लगे तो शेयर कर दो, और बहुत अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही।